मैं आपको, ये न्यू i20 2024 मॉडल है। मेरे पास कंपनी की तरफ से फ़ोन आया था ये KD के लिए, कि ये KD प्रॉपर काम करता है। कहने का मतलब ये है, और ये मेरे पास एक्स हॉर्स का है, की टू लाइट खोलना चाबी इसकी 2024 की। निकालो जरा इसको, पहले आप इसमें चेक करिए, अनबॉक्सिंग करना, साथ में दोनों करते हैं। ये लीजिए, हाँ, इसको निकालिए, खोलिए एक बार, इसको मोबाइल से कनेक्ट करिए, क्योंकि ये चाबी रीड नहीं कर पा रही है X2 में, क्योंकि हमें ये तो देखना है ना इसमें ट्रांसपोर्टर कौन सा है, कोई क्या चिप है, क्या नहीं है, दिख रहा है। हाँ, दोनों एक ही पास रख के, धूप पड़ रही ना, ऐसा कर लो बस, ठीक है। तो अभी क्या करना है बोलो आप मुझे। अभी करना ये है, पहले तो हम इससे रीड करके दिखाते हैं आपको, की टू लाइट से। हाँ, की टू लाइट से चाबी पहले रीड करो। ठीक है, ये गए हम, एक मिनट, पहले हमें कनेक्ट करना है डिवाइस को। तो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा। ये गए हम सेटिंग में, OTG, इसको हम यहाँ से ऑन किए। ऑन करने के बाद हम गए ट्रांसपोंडर क्लोन में। अब यहाँ पे हम करेंगे रीड ट्रांसपोंडर, रखा है ना, रीड ट्रांसपोंडर हटा यार, इसे बाद में लगा लेना अपना। ये रखा हमने यहाँ इसको, और रीड ट्रांसपोंडर, वेट, कनेक्ट है, ठीक है, सॉरी, अच्छा सॉरी, बंद हो गया था, डिवाइस कनेक्टेड। नहीं नहीं वो उस कॉइल का बता रहा हूँ, ऐसे रख लो, अपडेट नहीं करना। अच्छा, बकवास बीच बीच में आ जाते हैं ना। ओके, ये देखना रीड हो गया। इसको दोबारा बंद करके जरा रीड करो एक बार। ये हम बैक गए यहाँ से, दोबारा रीड करो इसको ट्रांसपोंडर। ये हमारा चाबी हटाया, अगेन रखा, और उसके बाद हम जाते हैं ट्रांसपोंडर क्लोन में। पहले हमें देखना है कि इसके अंदर ID क्या है। ये हम गए दोबारा से, गलत हो गया, ये गलत रखा है, ये चाबी लेगा नहीं, ट्रांसपोंडर नॉन डिटेक्टेड आ जाता है। दोबारा से इसको बाहर ही निकाल लो बस। नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, वीडियो कट करके डाल लेना फिर, है ना। चलो निकाल उसको, चलो चलने की वजह डिस्टर्ब कर, हाँ। ही निकाल ले, एक बार में होता है यार, पता नहीं क्या कर रहा है। अरे अभी नया आया है, सीखने में टाइम तो लगेगा। ना सीखने की बात नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसे नहीं होगा। एक बार हम इसको डिस्कनेक्ट करें पहले, डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट। अब चलते देंगे हम ट्रांसपोंडर क्लोन में और रीड में। तो बाहर बनाना था, जनरेटर बंद हो गया है, हो सकता है कार के अंदर फ्रिक्वेंसी ले रहा हो ना, रीड कर रहा हो, एक ही बार किया उसने। नो ट्रांसपोंडर डिटेक्टेड, बाहर लो, वीडियो कॉल करते हैं।
ये देखिए मैं लिया जी, दोबारा करना जरा क्योंकि हम एक बार से नहीं मानते, और फिर करो। कोई बात नहीं, आप 10 चक्कर से माने। ये देखिए आप बार बार करके दिखाओ, वो भी रखने में प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही थी। नहीं नहीं वो अनलॉक नहीं थी ना, लॉक गाड़ी लॉक थी ना, इसलिए ठीक ले रहा है ना बार बार। अब इसको हम इसमें रीड करते हैं डाल के, ये बंद है, इसको चालू करते हैं और इसको ट्रांसपोंडर पे जाते हैं। रीडिंग फेल्ड, फिर इसको हम रीड करते हैं ऊपर नीचे करके। ये किसी तरह नहीं ले रही, चलो एक बार में मिस्टेक हो गई, दो बार में घुमा के डाल देते हैं इसको। अरे किधर भी डाली, लेगी तो एक बार में ही ना, पूरी कॉइल है ना। केडी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी ना अभी, तो उसमें एक्सॉस में, तो हमारा कहने का मतलब है कई बार चेक कर लेते हैं इसको हम। किसी तरह भी नहीं ले रहा है। चलो एक बार दोबारा से इसमें लगाओ अपने। नहीं दिया ना, एक बार दोबारा जिस तरह रखी थी चाबी उस तरह। चलो ले लेंगे, देखते हैं। एक मिनट, चाबी नहीं लगी। तो एक बार दोबारा अनलॉक करके इसको इसमें भी करते हैं ना। तो फेल्ड ही दिखाएगा, फेल्ड। कार के अंदर बैठे इसलिए कम रीड हो पा रही है। तो नहीं रीड हो रही है ना, मतलब मेरे में हो रही है ना, इसमें वो तो ले रही ना, मान लो एक्सॉस में ले रही, एक्सॉस में ले रही, अदर में नहीं ले रही। चलो इसको जरा दोबारा इसमें डाल के दिखाओ। मैंने रखी इसको बैक, गए दोबारा से आया रीड ट्रांसफॉर्मर पे। चलिए ओके ठीक है, अभी हो गया ना वीडियो पूरा।